सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद को बंद करने वालों के लिए रहनुमाई। हम इस वबाई मर्ज और आफत कोरोना वायरस से निमटने के लिए बार बार जंग और मुकाबले के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये एहसास उभरता है कि वाकईतन किसी दुश्मन की तरफ से हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, जिसका हमने हर हाल में मुकाबला करना है और इस जंग को जीत कर दिखाना है। ये तर्ज कम अज कम हमें अच्छा नहीं लग रहा। इसकी बजाय खुदाए खौफी, दुआ, इस्तग़फ़ार, आजिज़ी और बारगाह-ए-अज़ीम में नियाजमंदी के एहसासात को उभारने की जरूरत है कि इस ज़ाते आली के सिवा हमारे पास इस मुसीबत और इब्तला से निकलने के लिए कोई सहारा मौजूद नहीं है। हमने घरों को छोड़ा और मसाजिद को जायपना बना लिया। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-करशी फरमाते हैं, 764 हिजरी में जब ताउन फैलता हुआ मिस्र में दाखिल हुआ तो हलाकतें ही हलाकतें थीं। फिर लोगों ने कयामुल्लैल, रोज़ा, सदका, तौबा और वास को लाजिम पकड़ा। हमने अपने बच्चों और बीवियों समेत घरों को छोड़ा और मसाजिद में पनाह ले ली तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।